चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपका जो सेक्शन 169 है, इस सेक्शन 169 ने राइट दिया है शेयर होल्डर्स को कि वो किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं जो उनको लगता है कि कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स एक जनरल मीटिंग बुला के उसके अंदर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड उस डायरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बात रखने की, ठीक है। तो इसके कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन क्या है, पहला अगर कोई डायरेक्टर ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है, ट्राइब्यूनल जो आपका कंपनी लॉ सारा चलाता है, ठीक है, तो उनका अपॉइंट किया हुआ अगर कोई डायरेक्टर है तो वो शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते। सेकंड, अगर कोई डायरेक्टर एज पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंट हुआ है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आई गेस आपको याद रहेगा सेक्शन 163 हमने किया था, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मोटिव था वो क्या था कि भाई कंपनी के अंदर जब हम डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो क्या होता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो जिनके पास 51% स्टेक है कंपनी के शेयर्स का वो अपनी चलाएंगे, तो जो बाकी 49% शेयर होल्डर रह गए उनकी पसंद का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। तो जब हम रिमूव कर रहे हैं तब भी यही प्रोसेस है कि जो 51% शेयर होल्डर है अगर उनको डायरेक्टर पसंद नहीं है तो दे कैन रिमूव इट, तो अगर वो उस डायरेक्टर को भी रिमूव कर देंगे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट हुआ था तो फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन का मोटिव क्या रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हमने एक्सेप्शन वाले लिस्ट में डाल दिया। तीसरा आपका डायरेक्टर होता है नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर को हम इसलिए नहीं हटा सकते बिकॉज ये अपॉइंट हो रहा है किसी एग्रीमेंट या लॉ के अकॉर्डिंगली। जब आपने पढ़ा था नॉमिनी डायरेक्टर तो दो चीज़ें आपने देखी थी, एक तो आर्टिकल्स में इसको अलाउड होना चाहिए एंड सेकंड जो आपका फाइनेंस जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन लिया उसके साथ आपका एग्रीमेंट है या एज़ पर लॉ आप उसको अपॉइंट कर रहे हो अपने यहाँ, तो फिर इसलिए इन तीनों को हम रिमूव नहीं कर सकते बाई यूजिंग राइट्स गिवन इन सेक्शन 169। इसके अलावा आपके कोई भी डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, किसी को भी आप इस सेक्शन को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी एक आपका पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जब आप पहली बार अपॉइंट करते हैं तब आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, तो आपको इसको रिमूव करना है तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट जब आप सेकेंड टाइम उसको रीअपॉइंट करते हो तब आप यूज़ करते हो स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सेकेंड अपॉइंट जब आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकेंड बार रीअपॉइंट होता है अब आपको उसको रिमूव करना है तो अब आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन यूज़ करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये सारे इसके जो राइट्स हैं वो हैं कि हम कब किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, अब कितने शेयर होल्डर हमें चाहिए जो ये डिसीज़न ले, नोटिस दे कि हमें ये पर्टिकुलर डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो इसमें दो बातें हैं, एक आपका परसेंटेज दे रखा है और एक वैल्यू के हिसाब से दे रखा है। तो आपके जो मेंबर्स हैं अगर उनके पास एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, तो फिर वो नोटिस दे सकते हैं, या उन सबके पास मिला के टोटल 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख वैल्यू के शेयर्स हैं, नॉट नंबर, 5 लाख वैल्यू के शेयर्स हैं, तो फिर वो नोटिस दे सकते हैं। नोटिस किसको देंगे, नोटिस देंगे कंपनी को, कितने दिन पहले देंगे, कम से कम 14 डेज पहले देंगे बिफोर जनरल मीटिंग, ठीक है, और 14 डे और पहले से देना चाहे, मान लो उन्होंने मन बना लिया इस बंदे को तो मैं निकालूंगा, मीटिंग है 6 महीने बाद, आज ही नोटिस दे दो कंपनी को, तो इतने पहले भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट मतलब नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, तो 3 महीने पहले, मीटिंग जिस भी दिन है उसे 3 महीने पहले आप नोटिस नहीं दे सकते और 14 दिन के बाद भी नहीं दे सकते, तो नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। अच्छा, अब कंपनी को आपने नोटिस दे दिया, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस नोटिस को वो कंसर्न डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देगी जिसको निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि उस डायरेक्टर को हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सुनने की, ठीक है। तो अब उस डायरेक्टर के पास दो राइट्स हैं
रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, एक वो रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है और एक वो ओरल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है मीटिंग के अंदर। ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, वो कंपनी को देगा कि मेरे को मत निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हो रहे। ठीक है, तो इसमें अगर अब कंपनी के पास टाइम है तो कंपनी क्या करेगी, वो रिप्रेजेंटेशन आगे अपने सभी मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगी। और अगर कंपनी के पास टाइम नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर जब जर्नल मीटिंग जब भी कंडक्ट हो रही है जिस भी दिन, उस दिन वो जर्नल मीटिंग के अंदर उस नोटिस को रीड आउट कर दो। ठीक है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन के अलावा डायरेक्टर के पास ओरल रिप्रेजेंटेशन का भी राइट है। ओरल रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्टर खुद अपनी बात मीटिंग के अंदर बोलेगा। ओके, अब इसमें क्या कोई एक्सेप्शन है, हम क्या डायरेक्टर को रोक सकते हैं? यस, हम डायरेक्टर को रोक सकते हैं। अगर कंपनी को लगता है या कोई एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, उसको लगता है कि डायरेक्टर ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये डिफेमेटरी है इन नेचर, रिप्रेजेंटेशन इज डिफेमेटरी इन नेचर। डिफेमेटरी मतलब होता है कि किसी को बदनाम कर रहे हैं, कंपनी को या किसी शेयर होल्डर को, ऐसे किसी को बदनाम कर रहे हैं, और ये इस बात की कंप्लेंट कर दे ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, तो फिर ट्राइब्यूनल कैन स्टॉप दिस रिप्रेजेंटेशन, और वो डायरेक्टर को पेनल्टी भी लगा सकते हैं कि भाई जो खर्चा वगैरह हुआ है कंपनी का उसको भी आप रीइंबर्स करो। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रोसेस है। ऑलराइट, फिर इसके बाद जब हम डायरेक्टर को रिमूव कर देंगे तो उस डायरेक्टर की जगह हम कोई दूसरा बंदा भी बिठा सकते हैं, अगर नहीं बिठाते तो डेट विल बी ट्रीटेड एज ए कैजुअल वैकेंसी, तो उसको फिर हम ऐसे कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे। तो वो सब चीज़ें, और एक दो प्रोविज़न और है कि डायरेक्टर को जो समय से पहले हम निकाल रहे हैं, अगर डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है तो उसको कंपनसेट भी किया जाए। ठीक है, वो सब हम जब अभी नोट्स करेंगे इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो मेन आपका मोटा मोटा यही प्रोविज़न है जो मैंने आपको लिखवाया है, आई होप आपको इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अभी हम वापस से नोट्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग। तो तीन एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे, नॉमिनी डायरेक्टर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, और एक जो ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है। तो व्हेन डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल, व्हेन डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और नॉमिनी डायरेक्टर, तो इन तीन को रिमूव नहीं कर सकते। और जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर वो सेकेंड बार रीअपॉइंट हो रहा है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन से ही रिमूव कर सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म अंडर सेक्शन 149(10)। यहाँ तक ठीक है, जो भी डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे सुनने की। कितने शेयर होल्डर मिलकर रिमूव कर सकते हैं? तो स्पेशल नोटिस अंडर 115 सेक्शन आपको देना पड़ेगा, विच विल बी साइंड बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ वोटिंग पावर, या मेंबर्स होल्डिंग शेयर ऑन विच एटलीस्ट 5 लाख हैज बीन पेड इन टोटल। ठीक है, नोटिस कितने दिन पहले भेजना है? भाई 3 महीने से पहले नहीं भेज सकते, 14 दिन के बाद नहीं भेज सकते, तो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एंड नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। ओके, और कंपनी नोटिस रिसीव करने के बाद क्या करेगी, उसको कंसर्न डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देगी। फिर कंसर्न डायरेक्टर क्या करेगा, वो अपना रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। तो इफ डायरेक्टर मेक्स रिटन रिप्रेजेंटेशन, अभी पहले हम रिटन की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया तीन बात हो सकती है, रिटन रिप्रेजेंटेशन या तो कंपनी सर्कुलेट करेगी या नहीं करेगी, या फिर ओरल रिप्रेजेंटेशन देगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन बना दिया और कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि जी इसको मेंबर्स को सर्कुलेट कर दो। अब अगर टाइम परमिट करता है तो अलॉन्ग विद नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन, कंपनी विल स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय डायरेक्टर एंड सेंड द कॉपी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। लेकिन अगर टाइम नहीं है, इनसफिशियंट टाइम है, तो फिर डेट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय डायरेक्टर शैल बी रेड इन जर्नल मीटिंग। और ये तो था आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अलावा डायरेक्टर विल हैव अ राइट टू मेक ओरल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया ओरल। और अब अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा दे ट्राइब्यूनल के अंदर, रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट एंड रेड आउट एट मीटिंग इफ एन
एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और एग्रीड पर्सन, तो कौन अप्लाई कर सकता है, या तो कंपनी या जिस बंदे को लग रहा है मेरे को बदनाम किया जा रहा है वो। तो ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स, ठीक है। ट्राइब्यूनल में ऑर्डर डायरेक्टेड टू पे होली और पार्टली टू कंपनी फॉर कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड टू ट्राइब्यूनल, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने आपको पेपर पे सब समझा भी दिया था, ओके। आगे पढ़ते हैं। अब मान लो कि डायरेक्टर को हटा दिया, अब जो हमने डायरेक्टर को हटा दिया तो उसकी जगह किसी को तो हम फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी को फिल करना चाहते हैं, वैकेंसीज फिल्ड एट जनरल मीटिंग, तो फिर हमें उसके लिए, हम जिस भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं उसके लिए पहले से एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। जैसे जब हम हटाने के लिए स्पेशल नोटिस दे रहे हैं तो हम चाहते हैं इसको हटा के हम ए को हटा के बी को रखना है, तो बी के नाम का भी एक स्पेशल नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा पहले, ठीक है। और अगर वैकेंसी जनरल मीटिंग में फिल नहीं हो पा रही तो फिर डेट विल बी ट्रीटेड एज अ कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी आप कैसे फिल करते हैं, आपको पता ही है, आर्टिकल्स में उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न लिखा होता है। अगर आर्टिकल्स में प्रोविज़न नहीं लिखा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और फिर उस अपॉइंटमेंट को जनरल मीटिंग के अंदर, जो नेक्स्ट AGM होगा उसके अंदर, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। और एक खास बात, जो डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हो उसको आप अब रीअपॉइंट नहीं कर सकते। डायरेक्टर रिमूव्ड शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। टेन्योर कितना होगा, जो नया डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो, इन दोनों तरीके से भाई, जितना जिस डायरेक्टर को आप हटा रहे हो उसका जो अनएक्सपायर्ड टर्म था वही उसका टेन्योर होगा नए डायरेक्टर का। तो न्यू डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस फॉर रिमेनिंग पीरियड फॉर विच डायरेक्टर हु हैज़ बिन रिमूव्ड वुड हैव होल्ड ऑफिस इफ नॉट रिमूव्ड। चाहे कैजुअल वैकेंसी की तरह आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, चाहे जनरल मीटिंग में आप उसको अपॉइंट कर रहे हो बाई गिविंग अ स्पेशल नोटिस। अब आते हैं हम पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो जो डायरेक्टर को आपने रिमूव किया है उसको आप कंपनसेट करोगे फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टरशिप। तो रिमूव डायरेक्टर विल हैव राइट टू कंपनसेशन फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टरशिप। इसमें एक सेक्शन है आपका 202, ये अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप कितना पैसा उस डायरेक्टर को दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय ट्राइब्यूनल। तो अगर कोई बंदा सेक्शन 241 में ट्राइब्यूनल को अप्लाई करता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन कंपनी, तो 242 के अंदर ट्राइब्यूनल उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। तो एज पर 242 ट्राइब्यूनल रिमूव भी कर सकती है और ट्राइब्यूनल अपॉइंट भी कर सकती है किसी डायरेक्टर को। और 243 के अंदर ये लिखा है अगर कोई डायरेक्टर ट्राइब्यूनल रिमूव करती है तो उस डायरेक्टर को ये जो कंपनसेशन है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ओके। तो ही शैल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉर पीरियड ऑफ 5 years। तो 5 साल के लिए वो डायरेक्टर नहीं बन सकता उस कंपनी में विदाउट फर्स्ट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम ट्राइब्यूनल। तो ये आपका ट्राइब्यूनल से रिलेटेड पॉइंट था। और एस एच और इसके अंदर कुछ रहा नहीं आपका प्रोविज़न, एक बार स्टडी मटेरियल से और गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें ये लिखा है अ कंपनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहला है आपका रिमूवल बाय शेयर होल्डर एंड रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल का तो छोटा सा पार्ट था 242 में, 241, 242, 243 ये हमने पढ़ लिया। 169 स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर। 169 ऑफ द एक्ट कंटेन प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर। द वे शेयर होल्डर आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन द सेम वे दे कैन रिमूव अ डायरेक्टर। तो जैसे आप अपॉइंट कर सकते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से वैसे ही आप हटा भी दो, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इज स्टेटेड एज बिलो। तो पहला है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज ऑफिस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो क्या है, 3 एक्सेप्शंस था। एक तो अगर व्हेन अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 242, सेकंड आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड आपका नॉमिनी डायरेक्टर। व्हेन एज पर 163 टू थर्ड ऑफ
or more of the total number of director are appointed according to principle of proportional representation, then such director cannot be removed. उसके बाद एक example है. For example, if a company has 8 director of which 6 were appointed according to this principle, then in such case only 2 director which were not appointed following the system of proportional representation can only be removed. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Requirement of special resolution in case of removal of reappointed independent director. तो independent director के case में special resolution चाहिए. ठीक है. Under both the clauses 1 and 2, the director to be removed shall be given a reasonable opportunity of being heard. ठीक है, ये भी हमने कर लिया था cover. Then special notice. तो special notice आपको देना है as per section 115. Okay. तो under 115 कितने number of members चाहिए? Special notice under 115 is required to be signed by members holding not less than 1% of total voting right, या members holding share on which at least 5 lakh has been paid in aggregate. ठीक है. और ये नोटिस कितने दिन पहले भेजना है? एटलीस्ट 14 डेज पहले, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ. ये रहा, सच नोटिस शैल बी सेंड बाय मेंबर नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग. एक्शन बाय कंपनी. कंपनी क्या करेगी? ऑन द रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस उसको डायरेक्टर को फॉरवर्ड करेगी. टू रिमूव अ डायरेक्टर द कंपनी शैल फॉरथविथ सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू डायरेक्टर कंसर्न्ड. And the director, whether or not he is a member of company, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting. तो अब director की representation की बारी आ गई. तो मैंने आपको बताया दो type के representation दे सकता है, written या oral. Written देगा, company पे time होगा तो company circulate करेगी, time नहीं होगा तो general meeting में read करेगी. और oral वो चाहे तो director खुद general meeting में खड़ा होके अपनी बात बता सकते हैं. और इसका exception था कि अगर aggrieved person या company tribunal में चले जाए तो और ट्राइब्यूनल बोल दे तो फिर रिप्रेजेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं. तो पढ़ते हैं. रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्टर इन केस द डायरेक्टर कंसर्न मेक्स अ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी नोटिफाइड टू मेंबर द कंपनी शैल इफ द टाइम परमिट्स टू डू सो स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड बाय द डायरेक्टर इन एनी नोटिस. एक तो ये बताएगा कि रिप्रेजेंटेशन दिया है डायरेक्टर ने, ठीक है, एंड सेंड द रिप्रेजेंटेशन, और साथ में जो उसने चिट्ठी लिखी है वो भी भेजेगा टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू हूम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट. ठीक है. इन केस द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अफोरसेड ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, ठीक है, और फॉर द कंपनीज डिफॉल्ट द डायरेक्टर में विदाउट प्रिजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर्ड एट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट मीटिंग. तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर के पास दोनों राइट है. अगर उसका रिटर्न नोटिस नहीं भेजा गया तो फिर वो कंपनी को बोलेगा भाई आप मीटिंग के अंदर ये पढ़ो, और उसके बाद वो ओरली भी अपनी बात फिर से बताएगा कंपनी को. Representation of director need not be sent. ये जब वो tribunal वाली बात आ गई. It is provided that the representation need not be sent out and read out at meeting if on application either of the company or of any other aggrieved person the tribunal is satisfied that the right of representation are being abused to secure needless publicity for defamatory matters. जो हमने लिखा था. Further the tribunal may order the director concerned, ठीक है, टू मेक पेमेंट इन होल और इन पार्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी ऑन द एप्लीकेशन सो मेड टू द ट्राइब्यूनल. ओके, हो गया. फिलिंग ऑफ वैकेंसी, ये हो गया, नहीं फिल कर रहे तो उसको आप एज ए कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करोगे, और अगर आप उसको फिल कर रहे हो तो आपको पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है. पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू डायरेक्टर, भाई जो अनएक्सपायर्ड टर्म था पुराने डायरेक्टर का वही है. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ये देना पड़ेगा, बट सेक्शन 202 की लिमिट्स के अंडर. और नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय 169. नथिंग इन 169 शैल बी टेकन एज डेरोगेटिंग फ्रॉम एनी पावर टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. इन अदर वर्ड्स 169 डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी अदर पावर अवेलेबल अंडर द सम अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट विच अलाउ रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर. तो अगर कंपनी एक्ट में किसी और सेक्शन में लिख रखा है कि आप डायरेक्टर को ऐसे रिमूव कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो. 169 तो एड ऑन है उसके ऊपर. ठीक है. फिर आगे आपका ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय ट्राइब्यूनल. तो सेक्शन 241 में एप्लीकेशन देना है, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू ट्राइब्यूनल अंडर 241.
तो 242 के अंदर वो उसको रिमूव कर देंगे और 243 में लिखा है उसको भैया कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, नॉट इंटाइटल्ड टू एनी क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। और 5 साल के लिए वो कंपनी में फिर से डायरेक्टर नहीं बन सकता अनटिल पहले वो ट्राइब्यूनल से परमिशन ले। तो डेट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 169। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बड़े ना विचित्र है, डिफरेंट है, इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको प्रोविज़न बताना है पूरा, बाकी क्वेश्चंस तो आपके कॉमन सेंस वाले हैं। एडम अ 15% शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी एंड अदर शेयर होल्डर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही इज़ अ डायरेक्टर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड वॉज री अपॉइंटेड एज MD फॉर 5 ईयर, ठीक है। मिस्टर एडम सीक योर एडवाइस टू रिमूव द MD आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो स्पेसिफाई द स्टेप टू बी टेकन बाई मिस्टर एडम एंड द कंपनी इन दिस बिहाफ। और सेकेंड है, इज इट नेसेसरी टू स्टेट रीजन टू सपोर्ट द रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। तो ये एक आपके लिए अलग पॉइंट है, तो जो आपको स्टेप्स बताने हैं ये तो आप बता ही देंगे भाई, जो पहला आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वाला पॉइंट था वहाँ से लेके जो आपका डायरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ तक, तो ये आपको बताना है। स्पेशल रिजोल्यूशन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बताना है, एलिजिबल मेंबर्स आपको ज़रूर बताना है, और रिप्रेजेंटेशन बाय डायरेक्टर। तो ये 4 आपको पॉइंट्स बताने हैं, तो आपका स्टेप कवर हो जाएगा। और ये पूछता है क्या मेंबर्स को कोई नोटिस रीज़न देने की ज़रूरत है, तो ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, मेंबर्स को रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीज़न मे बी डायरेक्टर को देने की ज़रूरत होती है, वो भी डिफरेंट सेक्शन में, और यहाँ तो डायरेक्टर कोई नोटिस मूव कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो पढ़ लो इसका, मैंने यहाँ पे पूरा आपको आंसर लिखवा रखा है। और एक केस लॉ भी है LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स, इसके अंदर लिखा था इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए मेंबर टू स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल एट टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। कोर्ट हेल्ड डैट अंडर सेक्शन 102 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नाइदर 169 जो अभी हमने पीछे पढ़ा था और नॉर 102, दोनों में से कोई भी सेक्शन मेंबर्स को रीज़न देने के लिए नहीं बोलता, रिक्वायर्स ए मेंबर टू नाइदर सेक्शन रिक्वायर ए मेंबर टू डिस्क्लोज द रीज़न फॉर प्रपोजिंग अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर। डन है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी फाइल्ड ए सिविल सूट इन अ कोर्ट फॉर रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर BC&E, इज द सूट मेंटेनेबल। अब एक शेयर होल्डर ने कोर्ट में चला गया डायरेक्टर को हटाने के लिए। अब डायरेक्टर जो कंपनी है किसी एक शेयर होल्डर की नहीं है, ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स की मिलके है, तो डायरेक्टर को हटाने का जो डिसीजन है सारे शेयर होल्डर मिलके लेंगे, ठीक है। तो कोर्ट तो ये बात बोल ही नहीं सकती कि डायरेक्टर को हटाना है नहीं हटाना है, कोर्ट के तो पावर में ही नहीं है ये चीज़, ओके। तो सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एज दिस मैटर रिलेट टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और जिसके लिए सेक्शन 169 में शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया है लॉ के द्वारा। तो 169 हैज़ गिवन नेसेसरी पावर टू रिमूव द डायरेक्टर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन आपका। अगला, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी प्रोवाइडेड दैट एक्स विल बी अ परमानेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। आर्टिकल ऐसे बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, ठीक। आर्टिकल फर्दर प्रोवाइडेड दैट ही कैनॉट बी रिमूव बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, ये भी आर्टिकल गलत बात कर रहे हैं। सम ऑफ द मेंबर वॉन्ट टू रिमूव एक्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, इज द प्रपोज्ड एक्शन वैलिड, यस वैलिड है। इसका जो आंसर है उसमें आपको ये लिख के आना है कि भाई जो आर्टिकल्स ये बात बोल रहे हैं, दिस इज़ इन कॉन्ट्रेरी टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में 169 में ये स्टैट्यूटरी राइट दिया गया है शेयर होल्डर को कि वो किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, तो आर्टिकल उस राइट को कैसे छीन सकते हैं, नहीं छीन सकता, ठीक है। तो 169 गिव्स स्टैट्यूटरी राइट टू एवरी शेयर होल्डर टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर पूरा प्रॉपर फॉलो करो और हटा दो आप हटाना चाहते हो तो। फिर अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, ये चीज़ आप थोड़ा स्पेशल ध्यान दो। एज पर सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 किसका, कंपनीज एक्ट का, वो कहता है अगर एनी प्रोविजन इन द आर्टिकल
that violates the statutory right given to shareholder is ultra vires the act. Ultra vires the matlab beyond the power of the act. आर्टिकल में कोई ऐसे प्रोविज़न दे दिया जो कि कंपनीज एक्ट के पावर के ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर डेट प्रोविज़न विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन क्लॉजेस नहीं फिर जो आपका कंपनी लॉ के जो प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, कंपनी लॉ के जो प्रोविज़न्स हैं दे हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन क्लॉजेस कंटेंड इन मेमोरेंडम या आर्टिकल या एनी अदर एग्रीमेंट इफ दे आर नॉट इन कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो थस मिस्टर एक्स कैन बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169. ओके, तो डेट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 169, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. अब नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का, उसके बाद एक बस रिविजनरी वीडियो और मैं आपको दूंगा, ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय.